उस लड़की के पीछे एक औरत भी खड़ी थी। उसने आंखों पर काले रंग का चश्मा भी चढ़ा रखा था। उसकी नजरें लगातार टीना पर बनी हुई थी। वो जानती थी कि टीना बहुत चालाक और तेज तर्रार है, तभी वो यूसुफा जैसी मॉडल के साथ भिड़ने के बाद भी यहाँ पर खड़ी है। और अभी तो उन्हें ये भी अंदाजा नहीं था कि टीना अब डायमंड स्टार्स में भी एंट्री मारने की तैयारी कर रही है। मैनेजर बड़े ध्यान से टीना की तरफ देख रही थी। फिर उसने अपने कॉन्टैक्ट की मदद से ये पता किया कि आखिर टीना ने कैसे लग्जरी शो के ओपनिंग में अपनी जगह फिक्स की। बाद में उसे पता चला कि ये सब टीक्यू के सीईओ दिलीप नादर की वजह से हुआ है। वो वाकई में बहुत बड़ा आदमी है। थोड़ी देर के बाद ही हल्की म्यूजिक के साथ शो शुरू हुआ। स्टेज पर आते ही टीना ने सबका ध्यान खुद की तरफ खींच लिया। उसके चलने का अंदाज और नजरें एक पल में ही किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया भी आई हुई थी। खास तौर पर एशियन मॉडल्स के लिए ये शो बहुत अच्छा मौका था। यहाँ से उन्हें विश्व स्तर पर पहचान मिल सकती थी। यहाँ आए हुए बहुत से लोग टीना को उसके पुराने नाम कियारा से भी पहचान रहे थे। इतने सालों बाद अचानक टीना को इस प्लेटफॉर्म पर देखकर वो भी शॉक्ड हो रहे थे। टीना ने अपनी अदाओं और खूबसूरती से सभी का दिल जीत लिया था। इस वक्त वहां नीचे रणविजय भी बैठा हुआ था। पहली बार वो टीना को इतने करीब से परफॉर्म करते देख रहा था। वहां पर टीक्यू के दिलीप नादर भी स्टेज के करीब बैठे हुए थे। साथ में उनका एक फोटोग्राफर भी आया हुआ था, जो कि अलग अलग एंगल से टीना की फोटोज क्लिक कर रहा था। वाकई में टीना लाजवाब दिख रही थी। शो खत्म होने के बाद दिलीप ने स्टेज के पीछे जाकर टीना को बधाई देते हुए कहा, वाओ टीना, बहुत अच्छा किया तुमने। टीना ने भी मुस्कुराते हुए दिलीप को थैंक्स कहा। मैं तो अब टीक्यू के अक्टूबर एडिशन का वेट कर रहा हूँ, दिलीप ने खुश होते हुए कहा। दिलीप से बात करने के बाद टीना ने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए और रणविजय के पास जाने के लिए तैयार हो गई। वो रणविजय के साथ फ्रांस की खूबसूरत गलियों में उसका हाथ पकड़कर घूमना चाहती थी। शो खत्म होने के थोड़ी देर बाद ही रितिका के पास प्रणय का फोन आया। उसने टीना का हाल जानने के लिए फोन किया था। रितिका ने ऑनलाइन न्यूज चेक की तो वहां पर टीना काफी ट्रेंड कर रही थी। टीना वर्सेस यूसुफा, आखिर कौन है टीना के पीछे? टीना के पीछे किसका सपोर्ट है? इस तरह की हेडलाइंस काफी ट्रेंड कर रही थी। टीना और यूसुफा की लड़ाई को लेकर जब जब कोई न्यूज आई है, तब तब टीना की पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ गई है, जबकि यूसुफा को हर बार सिर्फ आलोचना ही झेलनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूसुफा हमेशा गलत साजिश करके टीना को नीचे धकेलना चाहती है, जबकि टीना के साथ हमेशा लोगों का सपोर्ट रहता है। लेकिन अभी भी टीना के फैंस और उसके चाहने वाले लोगों को टीना की एबिलिटी पर यकीन था। उनका मानना था कि टीना आज जहां कहीं भी है वो सिर्फ खुद की एबिलिटी की वजह से है। इसी बात को साबित करने के लिए टीना के फैंस शो के फोटोज और वीडियोस खूब शेयर करके उसे फैलाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहां टीना के कुछ आलोचक भी थे, जो कि टीना की बुराई भी कर रहे थे। टीना किसी के सपोर्ट से यहां पहुंची है, यहां तक कि स्टार एज और दिलीप नादर तक का नाम टीना के साथ जोड़कर फैलाने की कोशिश हो रही थी। चाहे टीना की बुराई हो रही हो या अच्छाई, लेकिन इंटरनेट पर बस टीना की ही न्यूज ट्रेंड कर रही थी। ऑनलाइन न्यूज पर टीना की बुराई देख रितिका को काफी गुस्सा भी आ रहा था। आखिर कुछ लोगों को चैन नहीं है, कुछ भी कर लो इन्हें तो बस बुराई दिखाई पड़ती है। रितिका की बात सुन टीना को थोड़ी हंसी आ गई। वो टीना से नॉर्मली बात करते हुए पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। वहां रणविजय कार में उसका इंतजार कर रहा था। मैंने देखी न्यूज, कार स्टार्ट करते हुए रणविजय ने कहा। अब क्योंकि तुम फेमस हो रहे हो, इसलिए अब तुम्हारे दुश्मन भी तो होंगे ना, वो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से बदनाम करने की साजिश भी करेंगे। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ पता है मुझे। अब यूसुफा को फिर से मुझे बदनाम करने का मौका मिला है। टीना सब समझ रही थी, इसीलिए वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली थी, क्योंकि वो खुद की जितनी सफाई देगी लोग उतनी ही उंगलियां उठाएंगे। इससे अच्छा है कि शांत रहो, जो सच है वो खुद ही सबके सामने आ जाएगा। तुम कुछ करोगी नहीं? रितिका ने परेशान होते हुए टीना से पूछा। असल मायने में वो रणविजय से इसका जवाब सुनना चाहती थी, लेकिन रणविजय और टीना के बीच पहले ही डील हो चुकी है कि वो दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। पहले ही रणविजय प्रीति को सबक सिखाकर रूल तोड़ चुका है, लेकिन अब वो उस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। रितिका, अभी भी मेरी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी पीजी ग्रुप की ही है, टीना ने जवाब दिया। दोनों को शांत देखकर रितिका ने कहा, ओके, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, इन सब पे मैं नजर रखती हूँ।
रितिका को देख टीना हंस पड़ी। इस वक्त मुंबई में रात हो चुकी थी। यूसुफा अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मान गई थी। पढ़े की धमकी के बाद ही वो इस बात के लिए मानी थी। टीना की न्यूज देखते ही यूसुफा ने कहा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि टीना कोई दूध की धुली नहीं है, उसने भी कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाया है। अब देखो न्यूज में क्या आ रहा है। चुप करो तुम, प्रणय ने यूसुफा को डांटते हुए कहा। यूसुफा की सच्चाई जानने के बाद प्रणय अब यूसुफा की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर सकता है। वो तो अब टीना को अपनाने का प्लान बना रहा था। ऐसे में स्टार एच और दिलीप का नाम टीना के साथ जुड़ते देख उसे बहुत बुरा लग रहा था। यूसुफा तो बहुत बुरी है, लेकिन टीना ने भी ये ठीक नहीं किया। अब लगता है प्रणय कभी किसी औरत पर यकीन नहीं कर सकेगा। अब अगर तुम चाहो तो हम टीना को और बदनाम कर सकते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, यूसुफा ने हंसते हुए कहा। लेकिन प्रणय ने कोई जवाब नहीं दिया। अब उसे टीना के खिलाफ कुछ करना थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद यूसुफा ने अपने मैनेजर को फोन करके कहा, तुम अभी ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दो कि यूएस में फोटोशूट के टाइम टीना कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं रही थी, वो किसी आदमी के साथ अनजान जगह पर रही थी। और इस बात का ध्यान रखना कि किसी को ये पता ना चले कि ये खबर किसने दी है। यूसुफा की नजरें प्रणय पर बनी हुई थी। वो उसके दिल की बात जानना चाहती थी। टीना को तो पहले से ही उम्मीद थी कि यूसुफा इस तरह की हरकत जरूर करेगी, लेकिन वो इसका कुछ भी जवाब नहीं देने वाली थी। आखिर अब अवार्ड शो में दिन ही कितने बचे थे। उस दिन यूसुफा का सारा खेल खत्म होने वाला है और टीना उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है।